हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल इन दिस वीडियो वी विल डू अ कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स बॉटल नेक एंड कंस्ट्रेंट ओके सो लिमिटिंग फैक्टर ऐसे की फैक्टर या क्रिटिकल फैक्टर होते हैं जिनके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि आपके प्रोडक्शन पे एक लिमिट लगा देते हैं यानी आप उस लिमिट के बाद प्रोडक्शन नहीं कर सकते क्यों बिकॉज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज लिमिटिंग फैक्टर्स और बॉटल नैक में आपको ये ध्यान होना चाहिए इसका मेन फंडा यानी लिमिटिंग फैक्टर्स आते ही क्यों हैं ड्यू टू स्कैर्स रिसोर्सिस जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि रिसोर्सेज जो है वो स्कैर्स है तो वी हैव टू प्रॉपरली एलोकेट ऑल द रिसोर्स टू ईच यूनिट ओके सो स्कैर्स रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं रॉ मटेरियल स्कैर्स हो सकता है लेबर स्कैर्स हो सकते हैं मशीन मशीनर्स कहीं कहीं स्कैर्स हो सकते हैं सो एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक तीन यूनिट जो एक कंपनी प्रोड्यूस करती है ए बी सी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है फिफ्टी थर्टी ट्वेंटी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थर्टी फिफ्टीन टेन कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं हम सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट तो आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ट्वेंटी फिफ्टीन टेन इन रेस्पेक्टिव केसेस तो अब अगर हम रैंक दें इनको तो सबसे पहले एक कंपनी क्या प्रोड्यूस करना चाहेगी ए बिकॉज इट हैज़ द मोर कॉन्ट्रीब्यूशन कंपेयर टू बी एंड सी सेकेंड प्रेफरेंस किसको देगी बी को थर्ड प्रेफरेंस मिलेगा सी को ड्यू टू इट्स लो कॉन्ट्रीब्यूशन कंपेयर टू ए एंड बी ओके बट अगर हम एक चीज़ लगा दें रिसोर्स स्कैर्स रिसोर्स जो कि होगा हमारा रॉ मटेरियल सपोज करते हैं कि रॉ मटेरियल स्कैर्स है और रॉ मटेरियल यूज होता है ए प्रोडक्ट में टू के जी बी प्रोडक्ट में वन के जी सी प्रोडक्ट में पॉइंट फाइव के जी दैन वी हैव टू कैलकुलेट कॉन्ट्रीब्यूशन पर रॉ मेटीरियल यानी ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू टेन फिफ्टीन डिवाइडेड बाई वन फिफ्टीन टेन डिवाइडेड बाई पॉइंट फाइव डेट इज़ ट्वेंटी नाव अब अगर हम रैंक दें तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा सबसे पहले हम प्रेफरेंस देंगे सी को क्योंकि इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन पर रॉ मटीरियल ज़्यादा है सेकेंड प्रेफरेंस मिलेगा बी को इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन पर रॉ मेटीरियल सेकेंड नंबर पर है एंड लास्ट मिलेगा ए को ओके okay? तो आपने देखा जैसे ही हमने रॉ मटेरियल स्केयर्स माना और रॉ मटेरियल की यूजेज ए यूनिट ए के प्रोडक्ट में टू के जी था सबसे ज़्यादा बट हमें रिसोर्सेज जो है स्केयर्स है तो हम सबसे पहले क्या प्रोड्यूस करेंगे सी उसके बाद बी उसके बाद ए बिकॉज रॉ मटेरियल स्केर्यर्स है और रॉ मटेरियल सबसे कम लग रहा है सी में ओके तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा अगर किसी भी तरह का लिमिटिंग फैक्टर नहीं दे रखा है देन अगर क्वेश्चन यहाँ तक ही होता किसी भी तरह का लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता रिसोर्सेज स्कैर्स नहीं होते देन वी हैव टू टेक डिसीजन्स प्योरली एंड प्योरली बेस्ड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट बट इफ द क्वेश्चन हैज़ लिमिटिंग फैक्टर यानी किसी भी तरह का लिमिटिंग फैक्टर दे रखा है देन वी हैव टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर जो कि इस केस में था रॉ मटेरियल किसी और केस में और भी कुछ हो सकता है लेबर भी हो सकता है मशीन आर्स भी हो सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालेंगे हम जैसे हमने अभी निकाला था टेन फिफ्टीन ट्वेंटी उसके बाद हम प्रेफरेंस देंगे वन टू थ्री और उसके बाद हमारा आ जाएगा डिसीजन टेक डिसीजन बेस्ड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर तो दिस इज़ द गोल्डन रूल बिकॉज इसका इस रूल का किसी भी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं है ये रूल हर जगह अप्लाई होगा हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा तो देर इज़ नो एक्सेप्शन इन दिस रूल्स और इसीलिए इसको गोल्डन रूल भी कहा गया है सो लिमिटिंग फैक्टर्स एंड बॉटल नेक भी सेम ही होता है लगभग तो लिमिटिंग फैक्टर्स और बॉटल नेक का आप समझ गए होंगे अब बात करते हैं कॉन्सट्रेंट की तो लिमिटिंग फैक्टर और बॉटल नेक सेम होता है बिकॉज दोनों में लिमिट लगाई जाती है अपने प्रोडक्ट्स पर और लिमिटिंग फैक्टर में स्केर्स रिसोर्स होते हैं बॉटल नेक में लिमिट और प्रोडक्ट्स यानी प्रोडक्ट पे एक लिमिट लगाई जाती है कि उस प्रोडक्ट को उतना ही प्रोड्यूस करना है उसके बाद किसी और प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा नाउ वी हैव टू टेक थर्ड टर्म डेट इज कॉन्स्ट्रेंट इट इज़ द बिगर टर्म देन लिमिटिंग फैक्टर्स एंड बॉटल नैक ओके इन शॉर्ट मैं कहूँ तो ऑल लिमिटिंग फैक्टर्स आर कंस्टेंट्स एंड ऑल कंस्ट्रेंट्स आर नॉट लिमिटिंग फैक्टर यानी सारे लिमिटिंग फैक्टर्स कंस्ट्रेंट्स होते हैं बट कंस्टेंट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होते इसीलिए कहा गया है कि कंस्टेंट जो है वो बिगर टर्म है क्योंकि कंस्टेंट में क्या होता है एनी थिंग डैट मीन्स अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव डिफिकल्ट डेट इज वुड अदरवाइज बी यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने में आपके लिए डिफिकल्टी प्रोड्यूस कर रही है या आपके रस्ते में किसी भी तरह की डिफिकल्टी ला रही है आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करने में उस चीज़ को कहा जाएगा कंस्टेंट अब वो कंस्टेंट कई सारे हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में कई सारे कंस्टेंट हो सकते हैं लाइक like स्ट्राइक या किसी भी तरह का टेक्निकल एरर टेक्निकल फॉल्ट्स किसी भी तरह का कोई भी कंस्टेंट हो सकता है या लिमिटिंग फैक्टर भी कंस्टेंट में आते हैं बॉटल नेक भी कंस्टेंट में ही आता है बट लिमिटिंग फैक्टर इज़ अ स्मॉलर टर्म एंड कंस्टेंट इज़ अ बिगर टर्म तो सिंपल सी भाषा में जो मैंने आपको बताया ये रूल को याद रखना ये जो रूल बताया था मैंने अगर लिमिटिंग फैक्टर नहीं है तो टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन अगर लिमिटिंग फैक्टर है देन टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कंस्ट्रेंट इज अ बिगर टर्म लिमिटिंग फैक्टर बॉटर लैक इज द शॉर्टर टर्म कंस्ट्रेंट ऑल लिमिटिंग फैक्टर्स आर कंस्ट्रेंट बट नॉट ऑल कंस्ट्रेंट आर नॉट लिमिटिंग फैक्टर्स ओके एनीथिंग जो भी आपके ऑब्जेक्टिव के बीच में आए उस चीज़ को कहा जाएगा कंस्ट्रेंट एंड लिमिटिंग फैक्टर में होते हैं स्कैस रिसोर्स और वो आपके प्रोडक्शन में लिमिट लगा देते हैं सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बॉटल नेक एंड कंस्टेंट